गुड मॉर्निंग एवरीवान वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चो एंड वेलकम टू क्रिएटिक्स इन द ब्रह्मास्त्र बैच फॉर गेट ट्वेंटी क्या डिस्कस करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्किट ब्रेकर ठीक है तो पावर सिस्टम में बेटा हमने मेजोरिटी ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है अब आज और कल के सेशन में मैं आप लोगों से प्रोटेक्शन डिस्कस करूंगा और प्रोटेक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर एंड देन टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेज तो इससे पहले यार हम लोग शुरुआत करें फटाफट से आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे सबको बता देंगे कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं और बिफोर वी स्टार्ट लेट मी ऑल्सो टेल यू बेटा आपके लिए आई आर एम एस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वी हैव लॉन्च द कॉम्बो ऑफ गेट एंड यूपीएससी जिसमें आई आर एस आई आर एम एस प्री की तैयारी हम यूपीएससी में करा रहे हैं और मेन्स ऑप्शनल की तैयारी हम आपको करा रहे हैं गेट के साथ तो यहां पे लाइव क्लासेस आपको मिल रही है बेटा टेस्ट सीरीज मिल रही है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस तो अगर आपको इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए देन सिंपली यूज द कोड अंकित ई एस सी बहुत ही इजीली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो यार देखो कल हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे स्टेबिलिटी के पहले मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड देन वी विल गो ऑन विद द सर्किट ब्रेकअप तो जरा ये क्वेश्चन देखें फिगर शोज लाइन डायग्राम ऑफ इन्फिनिट बस सिस्टम, इनर्शिया आप रीड कर सकते हो फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट मकैनिकल पावर वन पी यू सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट द स्टेबल इक्विलीबरियम पॉइंट विद डेल्टा इक्वल टू थर्टी आ थ्री फेस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर्स एट अ सर्टेन लोकेशन ऑन वन ऑफ द सर्किट ऑफ द डबल सर्किट लाइन ड्यूरिंग फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर इज पी मैक्स साइन डेल्टा यानी कि इसने ड्यूरिंग फॉल्ट पावर जीरो नहीं बोला है इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड डी डेल्टा बाइ डी एट इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट क्लियरिंग आर फोर्टी फाइव डिग्री एंड थ्री पॉइंट सेवन सिक्स टू फाइन पी मैक्स अब देखो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेबिलिटी पे पूछा गया है क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि भैया सिस्टम इक्विलिब्रियम में चल रहा था जहां पे मैकेनिकल पावर थी ना आपकी वन पी यू तो पी एस और इनिशियली मैकेनिकल पावर थी आपकी वन पी यू डेल्टा इनिशियली आपका था थर्टी डिग्री आराम से सिस्टम चल रहा है मौज में अब क्या हुआ फॉल्ट आ गया फॉल्ट आते के साथ पावर इलेक्ट्रिकल हो गई पी मैक्स साइन डेल्टा जब हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ जब सर्किट ब्रेकर ने फॉल्ट क्लियर किया उस समय पे डेल्टा था 45 डिग्री और डी डेल्टा बाय डीटी था 3.762 रेडियन पर सेकेंड अब बताइए पी मैक्स क्या होगा यानी फॉल्ट क्लियरिंग के टाइम पे मुझे डेल्टा भी पता है मुझे डी डेल्टा बाय डीटी भी पता है मुझे पी मैक्स निकालना है अब क्या किया जाए तो देखो यहां पे ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो है नहीं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इसने मांगा नहीं इसने बात की है डी डेल्टा बाय डी की जिसके बारे में जनरली हमारा कोई फॉर्मूला बात नहीं करता तो इसको बेसिक से हमें बनाना पड़ेगा बच्चों बेसिक से हम लोग क्या कहेंगे देखिएगा एच बाय पाई एफ डेल स्क्वायर डेल्टा बाय डेल्टी स्क्वायर इज मकैनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर अब ये फाइव है ये वन है ड्यूरिंग फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर है पी मैक्स साइन डेल्टा अब मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको इंटीग्रेट करना है कल मैंने बताया था याद है स्विंग इक्वेशन का डेरिवेशन सॉरी इक्वल एरिया क्राइटेरिया का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टू डी डेल्टा बाय डी मैंने बोला था जब भी इंटीग्रेट करना हो इसे तो टू डी डेल्टा बाय डी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन पाई टू डी डेल्टा बाय डी टी डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर टू माइनस टू पी मैक्स साइन डेल्टा या टू वन माइनस पी मैक्स साइन डेल्टा डी डेल्टा बाय डी टी अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको बताया था परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाता है याद है ऐसे मैंने बताया था ये एक परफेक्ट डेरिवेटिव बन गया करेक्ट ना और इधर यही रह गया अब हमने क्या बोला था भाई दोनों साइड इंटीग्रेट करने के लिए बोला था ना मैंने बोला था दोनों तरफ से dt काट देना अब इधर क्या आएगा अब मेरी बात को समझना यार जरा इनिशियली इक्विलिब्रियम में बेटा डेल्टा था थर्टी डिग्री और जब इक्विलिब्रियम में होता है ना सिंक्रोनस मशीन तब बेटा डी डेल्टा बाय डी टी होता है जीरो क्योंकि स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड डी डेल्टा बाय डी टी इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटर एंड द सिंक्रोनस स्पीड अंडर इक्विलिब्रियम रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड देयरफॉर फोर डी डेल्टा बाय डी टी इज जीरो या फिर आप यह कह सकते हो इनिशियली डेल्टा कांस्टेंट रहता है तो डी डेल्टा बाय डी टी इज जीरो आपको इसने बोला फॉल्ट क्लियर हो रहा है पैंतालीस डिग्री पे जब इसकी वैल्यू है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स टू है ना इसने आपको दो लिमिट दी है ना कि जब डेल्टा फोर्टी फाइव है तो डी डेल्टा बाय डी टी है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स टू और देखो ये इक्वेशन 30 से 45 डिग्री तक ही लग सकती है क्योंकि 30 डिग्री पे फॉल्ट आया 45 पे फॉल्ट क्लियर हुआ और ड्यूरिंग फॉल्ट ड्यूरिंग फॉल्ट आपको पावर दी है पी मैक्स साइन डेल्टा सिर्फ ड्यूरिंग फॉल्ट की ये पावर है और फॉल्ट कब से कब तक चला है थर्टी से फोर्टी ठीक है जी मिहिर बेटा प्लीज तुम भी आ जाओ अन क्या कर रहे हो टीचर को स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि स्टूडेंट को टीचर भाई तुम तो गंगा ही उल्टी बहा रहे हो है भाई काहे मेरा माथा खराब करने आ जाते हो सुबह सुबह चलो भाई ठीक है भैया जी देखो अब तो ये बन ही जाएगा अब तो यहां से पी मैक्स आ जाएगा बताओ भाई अब तो यहां से पी मैक्स आ जाएगा आ, ये बन गया फिर टू इंटू फिफ्टीन इंटू पाई बाई वन एटी ठीक है माइनस दिस डिवाइडेड बाय कॉस थर्टी माइनस कॉस फोर्टी फाइव ये आ गया भाई पॉइंट फोर सिक्स एक बार चेक करना यही बन रहा है आप लोग का भी चेक करो जरा मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है ओहो हाँ पॉइंट टू थ्री बनेगा मैं टू ये कॉमन में है ना मैं ये भूल गया पॉइंट टू थ्री यही आना चाहिए समझे बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है ये ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है तो मिहिर मेरे भाई अगर एक चीज़ बताओ तुम किसी इंस्टीट्यूट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो उस इंस्टीट्यूट के टीचर को कहोगे कि इस इंस्टीट्यूट की मैं फ़ीस अफोर्ड कर सकता हूँ तो आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो ये तो थोड़ी अजीब व गरीब सी बातें हैं यार अगर तुम नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो अन अकेडमी की फीस तो मेरे तो मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट यूट्यूब पे ही पढ़े बारह में से आठ सब्जेक्ट तो पढ़ा चुका हूं पढ़ लो क्या दिक्कत है वेल डन अमित बहुत ही बढ़िया बेटा चलो अब आप लोग अगला ट्राई करो यार ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए मैं डिस्कस जरूर करना चाहता था आप लोग से ताकि गेट एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाए कि हाँ यार इस तरह से भी सोच बनाई जा सकती है A 50 Hz generating unit has H of 2 MJ per MVA. Machine is operating at synchronous speed producing 1 PU real power. Initial value of delta is 5 degree when a bolted fault occurs at terminal of generator. Input mechanical power remains at 1 PU. What is the value of delta 0.02 second after the fault? Chalo bhai, come on everyone. 5.9 पॉइंट देखे देखो इनिशियली बोला है इसने कि जनरेटर का शाफ्ट इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वन पी यू अब थ्री फेज बोल्टेड फॉल्ट हो रहा है ठीक है तो नाउ जब थ्री फेज वोल्टेड फॉल्ट होता है तो ड्यू टू फॉल्ट आपकी पावर अचानक से हो जाती है जीरो क्या हो जाती है जीरो तो एक्सलरेटिंग पावर क्या हो जाती है बंधु पी एस माइनस पीई विच इज वन पी ठीक है भाई अब मैंने आपको क्या बताया था जब भी डेल्टा या फ्रीक्वेंसी पूछे तो इक्वेशन ऑफ मोशन से किया जाता है आपको डिग्री में करना है ना तो आप डिग्री में कीजिए यहां पे वन एट्टी एफ लीजिए पाईएफ की जगह दिस बिकम्स इक्वल टू पी ए तो यहां से एक्सलरेशन कितनी बन गई बंधु वन इंटू वन एट्टी इंटू फिफ्टी अपॉन एच एच क्या है टू मेगाजूल पर एम वी तो ये आ गई भाई साढ़े चार हजार और यूनिट इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गई भाई अब एक बार एक्सेलरेशन आ गई तो आप डेल्टा निकाल सकते हो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर डेल्टा नॉट दिया है पांच डिग्री हाफ अल्फा फोर्टी फाइव हंड्रेड टी स्क्वायर पॉइंट जीरो टू का स्क्वायर फोर इंटू टेन की पावर माइनस फोर हो जाएगा तो पॉइंट नाइन तो फाइव पॉइंट नाइन डिग्री बहुत ही बढ़िया ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन भी स्विंग इक्वेशन पे बन सकता है तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन देखो दोनों के दोनों स्विंग इक्वेशन से सॉल्व हुए हैं इसमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया नहीं लगा तो क्वेश्चन को पहचानना सीखें भाई आप फिफ्टी हर्ट जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन विच इज ओपन सर्किटेड एट द रिसविंग एंड विदीड वोल्टेज हेल्ड कॉन्स्टेंट जनरेटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लाइन विच विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी सेट अबाउट द स्टडी स्टेट टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करेंट ऑफ द जनरेटर बताइए इनमें से क्या आप बोल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बारे में बी बहुत बढ़िया एक सेकेंड देखो यहां पे क्या होगा ये जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इसमें लाइन चार्जिंग करंट आता है ठीक है अब लाइन चार्जिंग करंट जो होता है बेटा उसका पावर फैक्टर कैसा होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है सभी बच्चे ये बात जानते हैं जनरेटर ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है एट लीडिंग पावर फैक्टर जिस कारण से बेटा वी टी इज ग्रेटर देन ई एफ ठीक है अब लाइन डिस्कनेक्टेड अब लाइन जब आपने डिस्कनेक्ट की तो करंट आपका जीरो हो गया करंट अगर जीरो हो गया मेरे बच्चों तो वीटी बिकम्स इक्वल टू ई एफ देयर फोर वी टी रेड्यूसेस वी टी रेड्यूसेस और क्योंकि आपने फील्ड वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है तो फील्ड करंट कांस्टेंट रहेगा तो आंसर विल बी ए ना कि बी बहुत सारे बच्चों ने बी दिया है आंसर ए होना चाहिए ठीक है फील्ड वोल्टेज कांस्टेंट रहने से फील्ड करंट डज नॉट चेंज और टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूसेस अगला करिए भाई फाइन द स्टडी स्टेट पावर लिमिट फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर स्टडी स्टेट पावर लिमिट के लिए ना आपको ट्रांसफर रिएक्टेंस चाहिए होती है कर दो फटाफट से क्या आर डी बहुत बढ़िया देखो ये तो रेजुनेंस में आ गया बेटा जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो पैरेलल एलसी सर्किट ना ओपन सर्किट हो जाता है रेजुनेंस में नहीं तो इसका इक्वलेंट निकालोगे तो इन्फिनिटी आएगा ठीक है जी तो अब आपका इक्वलेंट रिएक्टेंस कितना आएगा पॉइंट सिक्स जनरेटर का पॉइंट वन ट्रांसफॉर्मर पॉइंट फोर लाइन प्लस पॉइंट फोर आगे का तो 1.5 पी हो गया अब पी मैक्स जब आपको निकालना है तो ई एम एफ वी टी बाय द रिएक्टेंस पॉइंट एट पीयू दैट इज डी ठीक है आंसर विल बी डी बहुत बढ़िया लास्ट क्वेश्चन फिर सर्किट ब्रेकर स्टार्ट कर रहे हैं भाई A 50 हर्ट फोर पोल फाइव हंड्रेड एम वी ए ट्वेंटी टू केवी टर्बो जनरेटर इज डिलीवरिंग रिड्यूसिंग द पावर आउटपुट बाय 40 परसेंट नेगलेक्ट लॉसिस एज्यूम कॉन्स्टेंट पावर इनपुट टू द शाफ्ट एक्सेलरेटिंग टॉर्क एट द टाइम ऑफ फॉल्ट एक्सलरेटिंग पावर नहीं पूछ रहा है टॉर्क पूछ रहा है टॉर्क होता है पावर बाय स्पीड और जब जस्ट आपका फॉल्ट आया होता है ना उस समय पे स्पीड सडनली नहीं बदलती है स्पीड आप ओमेगा एस ही मान सकते हो सिंक्रोनस स्पीड ही मान सकते हो बात समझ रहे हो रोटर के इनर्शिया के कारण ना तो उसका डेल्टा सडनली चेंज होता है ना ही उसकी स्पीड सडन चेंज होती है यार है, बी ए चलो देखें देखो रेटेड एम वी ए है एट पॉइंट एट पावर फैक्टर तो पावर जो है एस कॉस पाई है यानी फोर हंड्रेड मेगावाट अब इनिशियली देखो जब इक्विलिब्रियम में होती है ना मशीन तब आपका पी एस और पीई बराबर ही रहता है तो दोनों की वैल्यू कितनी है चार सौ मेगावॉट लेकिन अब इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है 40 प्रतिशत से घट गया बाय तो बाय घटने का मतलब है माइनस पॉइंट फोर इंटू फोर हंड्रेड यानी 40 परसेंट से घटा तो 60 परसेंट बचा अब एक्सलरेटिंग पावर क्या होगी पी एस माइनस पीई जैसा आप जानते हो शाफ्ट इनपुट को कांस्टेंट मान के चलते हैं यह हुआ तो एक्सेलरेटिंग टॉर्क 160 सिक्सटी अपॉन फोर पाई एफ बाय पी एफ कितना है 50 बाय पी तो 3.2 पॉइंट टू बाई पाई वन पॉइंट समथिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से बी आ रहा होगा क्योंकि पाई uh, होता है 3.14 और ऊपर आ रहा है 3.2 मैंने क्या किया ना फोर से फोर काटा ही 3.2 पे गया तो 3.2 पॉइंट टू बाई पाई थ्री पॉइंट टू बाई थ्री पॉइंट वन फोर वन के आसपास ही आना चाहिए विशाल कह रहे हैं सर सारे सब्जेक्ट बन रहे हैं बट सिग्नल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्या करूं आपके लिए गुड न्यूज है आज से, आज से से आपका ना सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है आदित्य सर स्टार्ट कर रहे हैं रात को दस बजे ठीक है तो सभी बच्चे सुन ले बेटा आज रिकॉर्ड तोड़ अटेंडेंस चाहिए अपने को सिग्नल स्टार्ट कर रहे हैं सर तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने बोला कि यार बच्चों का सिग्नल बहुत कमजोर चल रहा है तो सर जैसे तैसे अपना टाइम मैनेज करके स्टार्ट करें तो यार उनको लेट डाउन मत करना है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ये फील हो यार कि सर ने अंकित सर ने कहाँ फंसा दिया अंकित सर ने तो बोल दिया बच्चे आएंगे और बच्चे आए नहीं तो मेरी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे रहती है मैं जैसे तैसे टीचर्स को कन्विंस करके कहता हूँ सब्जेक्ट ले लो तो तुम लोग लेट डाउन मत करना तुम लोग ऐसा अटेंडेंस दिखाना ऐसा तुम लोग मोटिवेशन दिखाना कि भाई टीचर का खुद का मन करे कि मेरे को तो और से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है है ना क्योंकि यार देखो मैं किसी भी टीचर को कन्विंस तो कर सकता हूं सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए लेकिन कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी आपकी होती है कि कंटिन्यू टीचर करेगा या नहीं करेगा सिर्फ आप पे निर्भर है ये चीज 400 कैसे आया बेटा रेटेड एम बोला है यानी 500 और पावर फैक्टर पॉइंट दिया है तो एस कॉस फाइव होता है पावर बोला है ना जनरेटर इज डिलीवरिंग रेटेड मेगावोल्ट एम्पी रेटेड एमबीए माने फाइव क्लियर हुआ चलो अब सर्किट ब्रेकर स्टार्ट करते हैं ठीक है जी तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं प्रोटेक्टिव स्विचेस की प्रोटेक्टिव स्विचेस का क्या मतलब होता है ऐसे स्विचेस जो कि आपके प्रोटेक्शन में काम आते हैं जो कि पावर सिस्टम की सुरक्षा करने के काम में आते हैं इसमें सबसे पहला स्विच होता है बेटा फ्यूज फ्यूज तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो फ्यूज के अंदर क्या होता है एक वायर होती है उस वायर से जब बेटा आपका करेंट फ्लो करता है तो वायर हीटअप होती है हीट अप होने से उस वायर का टेंपरेचर बढ़ता है तो जब उसका टेंपरेचर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर चला जाता है देन दैट वायर मेल्ट्स डाउन और जैसे ही वायर मेल्ट डाउन होती है आपका सर्किट हो जाता है डिस्कनेक्ट क्या हो जाता है सर्किट डिस्कनेक्ट बात क्लियर हो रही है तो यहां पे फंडा ये होता है कि जब भी वायर आपकी करंट कैरी करती है तो इट प्रोड्यूसेस अ हीट और हम कहते हैं हीट जब थर्मल लिमिट से ज्यादा होगी थर्मल लिमिट क्या होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय अ सिस्टम दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय अ डिवाइस तो जब भी हीट जनरेटेड थर्मल लिमिट से ज्यादा होती है देन दैट वायर डाउन इट ब्रेक्स द सर्किट एंड करेंट बिकम प्रोटेक्टिव स्विच का पता है काम ही ये होता है कि सर्किट को डिसकनेक्ट कर देना सर्किट को ओपन सर्किट कर देना अब जो हीट जनरेट हो रही होती है बेटा वायर में दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टी आई स्क्वायर आर इंटू टी आई स्क्वायर आर होती है पावर एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर इंटू टी अब फ्यूज की जो वायर होती है बेटा वो किससे बनती है कंडक्टर से फ्यूज वायर इज मेड ऑफ कंडक्टर करंट कैरी करना है ना तो बताओगे कौन सा मटेरियल यूज होता है फ्यूज वायर में फ्यूज वायर में यूज होता है बेटा टिन लेड एलॉयज ये सारी चीजें कॉपर नहीं यूज होता ठीक है टिन लेड एलॉयज ये सारी चीजें यूज होती हैं अब जो फ्यूज की वायर बेटा जब मेल्ट हो जाती है तो क्या होता है कि जो दोनों टर्मिनल होते हैं ना उनके बीच में ओपन सर्किटिंग आ जाती है ऐसे वायर मेल्ट होने के बाद दोनों टर्मिनल्स के बीच में ओपन सर्किटिंग आ जाती है यहां पे एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है तो हम कहते हैं फ्यूज वायर की जो लेंथ है ना वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है क्योंकि बेटा अगर लेंथ छोटी होगी तो वोल्टेज अपॉन लेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे दोनों टर्मिनल के बीच में जो एयर है जो मीडियम है वो आयोनाइज हो जाएगा और ये आयोनाइज मीडियम फिर करंट कैरी करने लगेगा माने कि फ्यूज वायर के ओपन होने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा फ्यूज वायर भले ही ओपन हो जा रही है बट स्टिल द करेंट विल बी एबल टू फ्लो थ्रू द आयोनाइज मीडियम बिटवीन द टू टर्मिनल्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स बात समझ में आ गई इसीलिए फ्यूज वायर की जो लेंथ है वो किसके बेसिस पे डिजाइन होती है वोल्टेज के बेसिस पे क्लियर है ना वोल्टेज के बेसिस पे क्यों हां बेटा बिंदु मैंने बताया तो था ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर आप 90 के आगे जाके टच करके लौट सकते हो 90 के आगे स्टे नहीं कर सकते मैंने एग्जाम्पल भी दिया था अदर कंट्री वाला कल मेरे को लग रहा है आपने देखा नहीं है लेक्चर कल इतना इनोवेटिव इतना मस्त एग्जाम्पल दिया था यार हाँ जी अब देखो फ्यूज का एप्लीकेशन क्या होता है मेरे बच्चों फ्यूज का एप्लीकेशन होता है एज अ बैकअप प्रोटेक्शन डिवाइस क्यों क्योंकि क्या होता है फ्यूज की वायर एक बार मेल्ट हो गई तो फ्यूज को आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं करोगे आपको पूरी तरह से उसे रिप्लेस करना पड़ेगा तो एक जो फ्यूज होता है ना उसको बार बार रीयूज़ नहीं किया जा सकता इसीलिए बैकअप में यूज करते हैं प्राइमरी में नहीं बैकअप का मतलब क्या होता है जब कोई और प्रोटेक्शन स्कीम फेल हो जाए तब हमारा फ्यूज पिक्चर में आ जाएगा कि कोई नहीं चला तो चलो ये चल जाएगा लेकिन प्राइमरी में क्या होगा सबसे पहले यही चलेगा अगर हर बार सबसे पहले मेरा फ्यूज ऑपरेट करेगा तो हर बार मेरा फ्यूज डैमेज होगा और हर बार मुझको फ्यूज रिप्लेस करना पड़ेगा इसीलिए इट इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्राइमरी प्रोटेक्शन अब फ्यूज के अंदर एक टर्म डिफाइंड होती है दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूजिंग फैक्टर वॉट इज दिस दिस इज द मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय द रेटेड करेंट ऑफ द फ्यूज मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है जितना मिनिमम करंट चाहिए फ्यूज की वायर को मेल्ट होने के लिए दैट इज द मिनिमम फ्यूजिंग करंट अब बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि सर आई स्क्वायर टी के हिसाब से तो करंट कितना भी हो कुछ ना कुछ समय बाद ये जो हीट है ये इतनी ज्यादा हो जाएगी दैट इट विल एक्सीड द थर्मल लिमिट लेकिन ऐसा होता नहीं है जब फ्यूज के अंदर बेटा हीट जनरेट हो रही है तो साथ साथ आपकी हीट एटमॉस्फेयर में रेडिएट भी हो रही है तो भले ही उसके अंदर हीट पैदा हो रही है लेकिन वो हीट को एटमॉस्फेयर में भी भेज रहा है अब क्या होता है जब करंट आपका काफी हाई होता है तो हीट बहुत तेजी से जनरेट होती है उतनी तेजी से एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाती है इसीलिए फ्यूज की वायर कुछ देर बाद मेल्ट होती है तो फ्यूज को ऑपरेट करने के लिए एक मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है जो इस ग्राफ में मैंने यहां पे दिखाया है तो दैट इज कॉल्ड एज द मिनिमम फ्यूजिंग करंट। और रेटेड करंट क्या होता है रेटेड करंट बेटा वो होता है जो कि फ्यूज कॉन्टिन्यूअसली कैरी कर सकता है मतलब आप बोलो एक घंटा दो घंटा चार घंटा कैरी कर सकता है और फ्यूज की वायर डैमेज भी नहीं होगी ठीक है रेटेड करेंट कैन बी कैरीड बाय फ्यूज फॉर इनडेफिनेट ड्यूरेशन तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या है जिसपे वायर मेल्ट होगी ऑपरेटेड करेंट क्या है जितना फ्यूज इनडेफिनेट ड्यूरेशन के लिए कैरी कर सकता है विदाउट एनी ऑपरेशन जिसमें यह ऑपरेट ना करे तो इसीलिए ये जो है ना ये फैक्टर फ्यूजिंग फैक्टर वन से बड़ा आता है अब ये ग्राफ हमको क्या दर्शा रहा है हमने ये बोला बेटा कि जब हीट जनरेटेड हीट जनरेटेड जब मेरी थर्मल लिमिट से ज्यादा होगी मैं थर्मल लिमिट को लिख देता हूं क्यू यानी आई स्क्वायर आर टी इज ग्रेटर देन क्यू तो टाइम इज ग्रेटर देन Q अपॉन आई स्क्वायर आर तो इसका क्या मतलब हुआ टाइम ऑफ ऑपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इसीलिए टाइम और करेंट के बीच का जो ग्राफ है ना वो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है हाइपरबॉलिक बन रहा है क्योंकि अगर ज्यादा करेंट फ्यूज में आता है तो वो जल्दी ऑपरेट कर जाएगा कम करेंट अगर आता है तो इट विल टेक मोर टाइम टू ऑपरेट सिंपल है अब आता है लोड इंटरप्टर लोड इंटरप्टर एक दूसरा स्विच है इसका काम क्या होता है बेटा इसका काम होता है जब जब आपका लोड फुल लोड से ज्यादा हो जाए रेटेड से ज्यादा हो जाए यानी जरूरत से ज्यादा सिस्टम पे लोड आ जाए तो ये उस लोड को कट कर देता है डिसकनेक्ट कर देता है इससे क्या होता है इससे होता है एनर्जी मैनेजमेंट देखो आप लोग जानते हो हमारे पावर सिस्टम में जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो हमारे लिए सफिशेंट तो नहीं है करेक्ट इसीलिए पावर कट्स होते हैं आपने देखा है गर्मियों में बहुत सारे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी कम आती है तो उसे एनर्जी मैनेजमेंट बोलते हैं कि उन्हें एनर्जी मैनेज करना है कि हमारे पास इतना ही कोटा है हमारे पास इतनी ही एनर्जी है जिसपे हमें देश चलाना है तो देश की अगर डिमांड ज्यादा है तो कभी कभी लोड को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा वहां पे कौन सा स्विच काम आता है दैट इज द लोड इंटरप्टर फिर आता है लाइन आइसोलेटर ये जो लाइन आइसोलेटर है ना इसको आप फ्यूज के साथ लोड इंटरप्टर के साथ सर्किट ब्रेकर के साथ कहीं पे भी यूज कर सकते हो तो इसका काम ये होता है एक बार सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया आपने एक बार करंट को जीरो कर दिया तब लाइन आइसोलेटर नाम का स्विच ऑपरेट करेगा इससे क्या होगा इससे जो दो टर्मिनल्स हैं आपके उनके बीच का डिस्टेंस उनके बीच का क्लियरेंस बढ़ता है और क्लियरेंस बढ़ने से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से क्या होता है देर आर लो चासेलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन देर आर लो चांसेस क्या होगा जो अभी मैंने आपको फ्यूज में बताया अगर दोनों टर्मिनल्स पास पास होंगे तब क्या होगा तो उनके बीच में बेटा एक आर्क बन जाएगी मीडियम आयोनाइज हो जाएगा और उस आर्क से आपका करंट फ्लो कर सकता है अगर उस आर्क से करंट फ्लो करने लग गया तो सर्किट को डिसकनेक्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा इसीलिए इसका काम होता है डिस्टेंस बढ़ाना डिस्टेंस को हम कहते हैं क्लियरेंस टू इंक्रीज द क्लियरेंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो देखो जैसे यहां पे दिखाया है लोड इंटरप्टर और लाइन आइसोलेटर तो जब जब आपका पावर मान लो यहां से यहां पे पावर जा रहा है अगर ये पावर बेटा ग्रेटर देन फुल लोड पावर है तो पहले लोड इंटरप्टर ऑपरेट यहां पे लोड इंटरप्टर आपका ऑपरेट कर गया लेकिन लोड इंटरप्टर में हमने देखा दोनों पॉइंट के बीच में बहुत कम गैप था जिससे कि बीच का मीडियम आयोनाइज हो सकता था ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बात को जानते हुए हमने क्या किया हमने लाइन आइसोलेटर को ऑपरेट कराया अब आप देख सकते हो गैप ज्यादा हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम हो जाएगी चमका तो लाइन आइसोलेटर एक तरह से ये कह सकते हो सेकेंडरी स्विच है ये प्राइमरी स्विच नहीं है ये किसी और स्विच के साथ काम में आएगा जस्ट टू अवॉइड आयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम अब आते हैं सर्किट ब्रेकर पे तो देखो जैसे यहां पे आपने देखा फ्यूज का काम है एबनॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट करना लोड इंटरप्टर का का काम है फुल लोड पे ऑपरेट करना लाइन का आइसोलेटर का काम है नो लोड पे ऑपरेट करना वेन द करेंट इज जीरो वही सर्किट ब्रेकर हर एक कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है बस इसको क्या चाहिए होता है इसको रिले से एक सिग्नल चाहिए होता है क्या चाहिए होता है रिले से एक सिग्नल चाहिए होता है तो सर्किट ब्रेकर इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है ठीक है सर्किट ब्रेकर कैन ऑपरेट अंडर कैन ऑपरेट अंडर एबनॉर्मल load and no load condition once it receives signal from relay relays a signal on pe it can operate under all the three conditions सर लाइन आइसोलेटर लोड इंटरप्टर ट्रांसमिशन लाइन में ही लगते हैं नहीं बेटा डिपेंड करता है कहीं भी लग सकता है बिंदु आप जनरेटर के पास भी लगा सकते हो ट्रांसमिशन लाइन में भी लगा सकते हो बेसिकली जहां भी आप कोई प्रोटेक्टिव स्विच लगा रहे उसके साथ एक लाइन आइसोलेटर लग सकता है ये बात क्लियर हुई सर्किट ब्रेकर तीनों ही कंडीशन में ऑपरेट करेगा अब देखो यहां पे वर्किंग समझा रखी है वर्किंग क्या है देखो सबसे पहले एक ना स्टेप डाउन करेंट ट्रांसफॉर्मर होता है सर स्टेप डाउन सीटी क्यों होता है ताकि बेटा ये करंट को स्टेप डाउन कर पाए एक्चुअली जो आपका रिले है वो बहुत लो करंट डिवाइस होती है और जो आपका यहां पे फॉल्ट करंट आता है दैट फॉल्ट करंट इज वेरी वेरी हाई तो ये स्टेप डाउन कर देगा ठीक है सी टी डाउन फॉल्ट करंट बिफोर पासिंग टू रिले रिले को पास करने से पहले स्टेप डाउन करेगा अब रिले के अंदर क्या होता है बेटा रिले के अंदर ये जो करंट आएगा स्मॉल आई इन रिले प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड रिले की एक कॉयल बनी हुई है ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब बनाएगा तो बीच में ये जो लाइन दिख रही है ना आपको ये बेसिकली क्या है बेटा ये है आयरन आर्मेचर क्या है आयरन आर्मेचर तो मैग्नेटिक फील्ड इसको एट्रैक्ट करेगी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इसको एट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी अब जब ये इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करती है तो ऊपर जो स्प्रिंग है ऊपर जो स्प्रिंग है वो प्रोवाइड करता है री फोर्स क्या होता है ना एक रिले के अंदर हमेशा दो तरह के फोर्सेज होते हैं एक जो रीले को ऑपरेट कराने की कोशिश करता है एक जो ऑपरेशन से रोकता है है ना तो रीले तभी ऑपरेट करता है जब ऑपरेट कराने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाए लाइफ में भी तो ऐसा ही है ना बेटा अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो कहीं पहुंचना चाहते हो तो एक तो फोर्स है जो आप लगा रहे हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक वो है जो बाकी सब लगा रहे हैं आपको रोकने के लिए तो जब आपकी क्षमता जब आपका जोर आपका फोर्स ज्यादा होगा अपोजिशन से तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे ऐसे ही जब रिले का ऑपरेटिंग फोर्स री से ज्यादा होगा तब आप ये कह सकते हो रिले ऑपरेट करेगा अब देखो ये वाली जो प्लेट है ये नीचे आ जाएगी क्योंकि रिले इस रॉड को खींच रहा है जैसे ही रॉड नीचे आती है ये प्लेट नीचे आती है सर्किट ब्रेकर का सर्किट पूरा हो जाता है और इसमें करंट फ्लो करने लग जाता है ऐसे करंट जैसे ही सर्किट ब्रेकर में फ्लो करता है सर्किट ब्रेकर को समझ आ जाता है कि रिले ने इसको सिग्नल दिया रिले ऐसा नहीं इसके कान में जाके बोलेगा रिले क्या करता है सर्किट ब्रेकर के सर्किट को पूरा कर देता है जिससे सर्किट ब्रेकर में करंट फ्लो होने लग जाता है एंड सर्किट ब्रेकर नोज दैट देयर इज दैट इट हैज टू ऑपरेट यानी रिले ने इसको बता दिया है कि इसको ऑपरेट करना है ठीक है तो हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग फोर्स ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्लेट मूव्स डाउनवर्ड्स और प्लेट जैसी नीचे आएगी सर्किट गेट्स कंप्लीटेड ठीक है सर्किट आपका कंप्लीट हो गया और सर्किट के कंप्लीट होते ही क्या हुआ सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट कर गया भाई ठीक है जी तो इस टाइप से रिले और सर्किट ब्रेकर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द फॉल्ट तो ये जो है ना सर्किट ब्रेकर की मूविंग प्लेट होती है सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करने का मतलब है ये मूविंग प्लेट दूर चली जाएगी ये सर्किट को ओपन कर देगी ठीक है क्लियर हो गई बात अब देखो क्या होता है जब करंट ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो बी एच कर्व कैसा होता है पहले लीनियर होता है बाद में सेचुरेशन आ जाता है अब यहां पे ना दो पॉइंट्स होते हैं बेटा एक होता है नी पॉइंट जहां से सेचुरेशन शुरू होता है एक होता है एंकल पॉइंट जहां से लीनियर रीजन आपका शुरू होता है तो आप बात को समझेंगे आपके पास दो तरह के सीटी होते हैं एक होता है इंस्ट्रूमेंट सी जो मैंने आपको मेजरमेंट में अभी रिसेंटली पढ़ाया भी है इंस्ट्रूमेंट सी टी एट नी पॉइंट क्यों नी पॉइंट बिकॉज आई कैनॉट एक्सीड आई एफ एस इंस्ट्रूमेंट में कभी ऐसा नहीं होता कि फुल स्केल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हम अप्लाई करें और नी पॉइंट के फायदे क्या है बेटा नी पॉइंट पे ना आपका बी हाई है नी पॉइंट पे आपका बी हाई है तो सेम फ्लक्स के लिए ना आपका एरिया लो होगा एरिया लो होगा तो साइज कम हो जाएगा इसीलिए तो हम ये चाहते हैं ट्रांसफॉर्मर में हमेशा हाई मैग्नेटिक फील्ड हो ताकि हमें साइज कम से कम रखना पड़े लेकिन आप ये सोचिए प्रोटेक्शन सीटी जो है जो प्रोटेक्शन के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है उसको हम चलाते हैं एंकल पॉइंट पे माना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है साइज बड़ा होगा बट फिर भी एंकल पॉइंट पे चलाऊंगा ताकि जब फॉल्ट आए फॉल्ट में करंट हाई होता है क्यों भाई फॉल्ट में करंट हाई होता है ना आप लोग निकाले हो ड्यूरिंग फॉल्ट आई इज जैसे मान लो टेन टाइम्स आई फुल लोड तो करंट हाई होने से क्या होगा वी वांट कि ये लीनियर रीजन में आ जाए सेचुरेशन में ना जाए अगर आप नी पॉइंट पे रखते तो हाई करंट पे तुरंत सेचुरेशन में घुस जाता तो इट मस्ट इट मस्ट देन इट मस्ट देन ऑपरेट इन लीनियर रीजन तब ये लीनियर रीजन में आना चाहिए यानी पहले कहां पे रहना चाहिए पहले एंकल पॉइंट पे रहना चाहिए अर्लियर इट मस्ट बी एट एंकल पॉइंट ठीक है अर्लियर ये कहां पे रहना चाहिए बेटा आपका एंकल पॉइंट पे बात क्लियर हो गई क्लियर हुआ तो आपका इंस्ट्रूमेंट वाला सीटी चलता है नी पॉइंट पे और प्रोटेक्शन वाला सीटी ऑपरेट करता है एंकल पॉइंट पे क्लियर हो गया ना अब आती है बेटा आर्क फिनोमिना की बात सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करने का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स के बीच में सेपरेशन आना सर्किट ब्रेकर की मूविंग प्लेट का फिक्स प्लेट से दूर जाना जैसे देखो एक प्लेट आपकी फिक्स्ड होती है जो अपनी जगह से नहीं हिलेगी और एक प्लेट मूविंग होती है जो कि जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है तो ये फिक्स्ड प्लेट से दूर जाती है ये मूविंग है तो क्या होता है बेटा जब आपका सेपरेशन आता है ना दोनों प्लेट के बीच में तो इनके बीच में हाई वोल्टेज पैदा होती है ये हाई वोल्टेज कौन सी होती है यह मैं आपको आगे बताऊंगा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है ये हाई वोल्टेज पैदा होती है और ये जो हाई वोल्टेज पैदा होती है इससे क्या होता है कि बीच का मीडियम आयोनाइज हो जाता है क्या हो जाता है देखो मैंने लिखा भी है हॉट दिस इज द मीडियम अब जब यहां पे और इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गए तो दे आर फ्री टू मूव इफ दे आर फ्री टू मूव दे कैन ऑल्सो कैरी द करेंट बिटवीन द टू प्लेट्स तो भले ही आपने तो यह उम्मीद की थी कि दोनों प्लेट दूर हो जाएंगी ओपन सर्किट हो जाएगा लेकिन बीच का मीडियम आयोनाइज होने से ये बीच का मीडियम अभी भी कंडक्टिंग रह गया जिससे कि करंट फ्लो करता रहेगा और ये बीच का जो आयोनाइज मीडियम है ये जो कंडक्टिंग मीडियम है दिस इज कॉल्ड एज द आर्क और इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है प्लाज्मा सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा तो इसको प्लाज्मा कह सकते हो आयोनाइज गैसेस कह सकते हो इसको आर्क कह सकते हो ये हुआ एक कंडक्टिंग मीडियम ये क्या है आपका दिस इज अ कंडक्टर और ये कंडक्टर है ना बेटा तो इसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस भी है दैट इज कॉल्ड एज आर्क रेजिस्टेंस अब आर्क का जो रेजिस्टेंस होता है विशाल भाई अभी रुक जाओ है ना अभी रुक जाओ अगर बीच में आर्क है तो इट विल बिहेव एज रेजिस्टेंस क्योंकि कैपेसिटर की कंडीशन क्या होती है दो प्लेट और दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर अभी मैंने क्या बोला बीच का मीडियम हो गया आयोनाइज तो बीच का मीडियम बन गया कंडक्टिंग इट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर अ कैपेसिटर इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर अब ये जो आर का रेजिस्टेंस है मेरे बच्चों जो ये ये आर का रेजिस्टेंस है ये कम हो जाएगा अगर नंबर ऑफ सॉरी ये बढ़ जाएगा अगर नंबर ऑफ आयोनाइज पार्टिकल कम हो जाए अगर बीच में आयन और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं तो दिस रेजिस्टेंस विल बी हाई क्योंकि क्या होता है ना किसी भी मीडियम की जो कंडक्टिविटी होती है बेटा कंडक्टिविटी हमेशा इस बात पे निर्भर करती है इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि बीच में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं तो जब चार्ज पार्टिकल ज्यादा होते हैं कंडक्टिविटी ज्यादा होती है रेजिस्टेंस कम होता है मैं इसका उल्टा कह रहा हूं मैं कह रहा हूं चार्ज पार्टिकल कम होंगे कंडक्टिविटी कम होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा रेजिस्टेंस आपका घटेगा अगर एरिया बढ़ेगा रो एल बाय से सोचो तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन एरिया रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन द लेंथ। अगर ये आर्क लंबी हो जाए ये मीडियम जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ठीक है और ये एमिशन क्यों हो रहा है बेटा एमिशन दो कारणों से होता है एमिशन माने ये जो आपका बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम था जो बीच का इंसुलेटर था इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा हो गए दो कारण से ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू टेम्परेचर क्या होता है ना जो आर्क बनती है बेटा बीच का जो आयोनाइज मीडियम है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है ये जो हाई टेम्परेचर होता है ये एटम के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो इलेक्ट्रॉन कूद के एटम से बाहर आ जाता है तो इस कारण से क्या होता है आयोनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एमिशन तो एमिशन के दो कारण है वन इज द थर्मल वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है जी अब देखो क्या होता है जब हम फॉल्ट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले फॉल्ट आया फॉल्ट के बाद रिले को कुछ टाइम लगा सर्किट ब्रेकर को ये इन्फॉर्म करने में कि भैया फॉल्ट आया है अब सर्किट ब्रेकर को पता चला फॉल्ट आया है अब सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट हुई तो उसमें कुछ टाइम लगा जैसी प्लेट सेपरेट हुई आर्क बन गई जब तक प्लेट्स के बीच में आर्क रहेगी बेटा टिल देन इट विल बिहेव एज अ कंडक्टर ओपन सर्किट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ फिर आपको आर्क को बुझाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज द आर्किंग टाइम तो टोटल फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो होता है ना वो तीन टाइम से बनता है रिले टाइम सर्किट ब्रेकर टाइम एंड आर्क टाइम समझे जो आप कल कह रहे थे ना स्टेबिलिटी के अंदर क्लियरिंग टाइम क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम ये टोटल टाइम इससे छोटा होना चाहिए रिले प्लस सर्किट ब्रेकर प्लस आर्क ये होना चाहिए और ये जो आर्किंग टाइम होता है ये जनरली आपका एक से दो हाफ साइकिल होता है भाई मेरे अभी तो मैंने तुमको दिखाया ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है नितिन रिले बताता है रिले सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करता है इसमें मैनुअल कंट्रोल कहां से आया बताओ अब मेरी एक बात को और समझेंगे बेटा ये जो आर्क होती है ना आर्क इज सेल्फ सस्टेनिंग इन नेचर सर ऐसा क्यों सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या होता है मतलब ये होता है बेटा अगर इस आर्क को टच नहीं करोगे ना तो ये मत सोचना थोड़ी देर में थक हार के अपने आप चली जाएगी ना ये वहीं रहेगी जिद्दी है ये नहीं जाती है इसको बुझाना पड़ता है इसको हटाना पड़ता है ऐसा क्यों क्योंकि देखो क्या होता है आर्क आने से टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से बेटा आयोनाइजेशन बढ़ता है आयोनाइजेशन बढ़ने से आर्क का रेजिस्टेंस घटता है आर्क का रेजिस्टेंस घटने से इससे जाने वाला करंट और बढ़ता है करंट बढ़ने से फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा और इवेंचुअली आपका सर्किट ब्रेकर डैमेज भी हो सकता है इसीलिए आपको आर्क को रिमूव करना पड़ेगा सात्विक रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों ही आपके ट्रांजिएंट रीजन में ऑपरेट करते हैं रिले फॉल्ट को डिटेक्ट भले ही सब ट्रांजिएंट में कर लेता है लेकिन उसका जो सिग्नल सर्किट ब्रेकर तक पहुंचेगा दैट विल गो इन द ट्रांजिएंट रीजन ठीक है हाँ जी अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क जैसा मैंने बताया आर्क का कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग आयोनाइजेशन जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टेम्परेचर है तो उसके कारण कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उसी पे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिपेंड करता है और कंडक्टेंस आप ऐसे लिख सकते हो ना एरिया बाय रोएल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी सिग्मा ए बाय एल तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं फिर कंडक्टेंस एरिया के प्रोपोर्शनल है जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा आर्क का उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा और कंडक्टेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग क्या कहते हैं अगर आर्क को खत्म करना है ना तो सबसे पहले उसकी कंडक्टेंस को कम करना पड़ेगा ताकि वहां से कम से कम करंट फ्लो करने लग जाए यानी उसके रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा कंडक्टेंस को घटाना पड़ेगा और देखो यहां पे वही चीज लिखी है जो मैंने नेगेटिव टेम्परेचर को अभी बताया ना कि आर्क आने से आपका करंट एक्चुअली बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है आयोनाइजेशन बढ़ता है इससे करंट बढ़ता है तो आप क्या कह सकते हो इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर को यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से करंट घटने की जगह इंक्रीज होगा अब आर्क इंटरप्शन मेथड जैसा मैंने बताया आर्क अपने आप तो जाएगी नहीं जिद्दी है आप ही को इस आर्क को भगाना पड़ेगा तो आर्क इंटरप्शन का मतलब होता है एक बार प्लेट्स के बीच में आर्क आ गई है अब आप ऐसे क्या करोगे जिससे कि ये आर्क को आप बुझा पाओ इस आर्क को आप खत्म कर पाओ भारत महान लेक्चर के एंड तक रुको मैं लिंक दूंगा कहां से पीडीएफ मिलेगा ठीक है स्पैम मत करो नहीं तो पीडीएफ छोड़ो लेक्चर भी नहीं देखने मिलेंगे इस चैनल पे अब हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या होता है हम ये कहते हैं आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आर्क से जाने वाला करंट अपने आप कम हो जाएगा अगर करंट कम हो जाएगा तो धीरे धीरे आर्क आपकी खत्म हो जाएगी और हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या आता है सबसे पहले होता है लेंथनिंग की लेंथ लेंथ बढ़ा दो length बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा रिड्यूसिंग द एरिया रो एल बाई ए एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कूलिंग द आर्क अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगा जिससे कि आर्क अपने आप खत्म हो जाएगी और दूसरा मेथड होता है करेंट जीरो आर्क इंटरप्शन इस पे मैं अभी आऊंगा ठीक है अब आर्क लेंथनिंग का एक तरीका क्या हो सकता है कि आप दोनों प्लेट को फ्लैट ना बना के टीथ तो तो से टीथ तक बनेगी तो ये जो आर्क की लेंथ है बेटा ये ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू अर्लियर पहले लेंथ इतनी सी थी अब आर्क की लेंथ आपने बढ़ा दी ना क्योंकि आर्क को हाइपोटेनस के अलोंग जाना पड़ रहा है पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करती थी तो आर्क की लेंथ बढ़ गई लेकिन पता है क्या ये जो डिजाइन है ऐसा जिग्जैग वाला डिजाइन है बेटा इसमें कॉस्टिंग भी बढ़ती है और यह डिजाइन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है ठीक है डिजाइन भी आपका ना काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है ठीक है भाई चलो आगे बढ़ा जाए अगला होता है रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन इसमें देखो क्या होता है ये आर्क है जो आपको वाला दिख रहा है ये आर्क है ये इसमें मैंने नीचे से एयर इंसर्ट की आर्क में बेसिकली क्या होता है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अब नीचे से जब आप एयर पुश करते हो ये एयर फोर्स लगाती है उन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पे और ये आर्क को ऊपर की तरफ पुश कर देती है जब आर्क को ये ऊपर की तरफ पुश कर देती है बेटा एरिया भी कम हो जाता है प्लस ऐसे देखो आर्क की लेंथ भी बढ़ जाती है समझ रहे हो लेंथ भी बढ़ जाती है तो इससे एक तीर से दो शिकार हो गए एरिया कम हो गया एंड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस बट हम लोग क्या कहते हैं कि अगर तीनों को इंक्लूड करना है तो आप क्या करो ना नीचे से एयर तो डालो लेकिन आप कूल cool एयर डालो कूल cool एयर से क्या होगा टेम्परेचर कम हो जाएगा टेम्परेचर कम तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगा क्योंकि आयोनाइजेशन टेम्परेचर के कारण हो रहा है अब यहां पे आर्क स्प्लिटर लगे होते हैं ये वाला जो पार्ट है ना देखो मैं आपको दिखाता हूं ये आर्क स्प्लिटर्स हैं आर्क स्प्लिटर बेसिकली क्या होता है ना मेटल कॉन्टेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं मेटल कॉन्टेक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं ये आर्क को छोटी छोटी आर्क में डिवाइड कर देते हैं मतलब जब आप यहां से एयर डालोगे आर्क ऊपर बढ़ेगी तो ये जो है ना स्मॉलर आर्क्स में डिवाइड हो जाती है क्या हो जाती है स्मॉलर आर्क्स में डिवाइड हो जाती है क्योंकि स्मॉलर स्मॉलर जो छोटी छोटी आर्क बनेंगी उन्हें बुझाना उन्हें गायब करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू एक बहुत बड़ी आर्क से ठीक है तो आर्क स्प्लिटर इज प्लेसड एट द टॉप ऑफ द रनर रनर का मतलब है ये पूरा मीडियम ये पूरा जो एक बाउंड्री है ना इसको रनर बोलेंगे इसके टॉप पे स्प्लिटर होते हैं स्प्लिटर क्या होते हैं मेटल रॉड्स की तरह होते हैं जो कि आर्क को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल छोटी आर्क में ठीक है आर्क गेट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर आर्क्स विच कैन ईजीली बी एक्सटिंक्ट एज कंपेयर टू सिंगल लार्ज आर्क ठीक है एक सिंगल बड़ी आर्क के मुकाबले इसको बुझाना आसान है अब करंट जीरो इंटरप्शन चलो यार सौम्या बहुत अच्छी बात है अगर आपको अच्छा लगा करंट जीरो में हम क्या कहते हैं बेटा कि आर्क में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है तो एसी क्योंकि मेरे पावर सिस्टम में एसी करंट होता है ये एसी करंट की खासियत क्या होती है हर हाफ साइकिल के बाद जीरो से गुजरता है ठीक है तो जब ये हर हाफ साइकिल के बाद जीरो से गुजरता है तो मैं आर को कहां पे करूंगा जहां मेरा करंट जीरो है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा नॉन जीरो करंट पे अगर आप बीच में एयर भेजोगे इंटरप्ट करने का मतलब यही है नीचे से जो एयर पुश किया जाता है तो नीचे से जो आप कूल cool एयर भेजोगे अगर नॉन जीरो करेंट पे इंटरप्ट करते हो तो वो एयर बहुत ज्यादा मात्रा में भेजनी पड़ेगी बिकॉज एक बहुत हाई वोल्टेज पैदा हो जाता है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस और ये हाई वोल्टेज मजबूर कर देगा दोबारे से आर्क प्रोड्यूस करने के दैट इज सेट टू बी आर्क रीस्ट्राइकिंग कहने का मतलब ये हुआ अगर नॉन जीरो करेंट पे आपने एक बार को आर्क को बुझा भी दिया एयर भेज के तब इतना हाई वोल्टेज पैदा हो जाएगा कि वहां पे फिर से आयोनाइजेशन आ जाएगा फिर से आर्क आ जाएगी ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग क्या बोलते हैं रीस्ट्राइक रीस्ट्राइक माने आर्क का दोबारे से पैदा होना बात समझ में आ गई तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि फोर्स्ड कूल एयर जो कूल cool एयर आप अंदर भेज रहे हो फोर्स्ड कूल एयर मस्ट बी मस्ट बी पुश्ड इनसाइड सर्किट ब्रेकर एट इंस्टेंट ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू अवॉइड हाई वोल्टेज एंड आर्क रीस्ट्राइकिंग ठीक है ये क्लियर हुआ जैसे ही सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट होती है बेटा उनके बीच में आर्क आ जाती है द सर्किट ब्रेकर मीडियम एक्ट एज अ कंडक्टर फिर जब आप आर्क में एयर भेजते हो आर्क को बुझाने की कोशिश करते हो तब बीच का मीडियम आपका इंसुलेटिंग बनता है अब उसके बाद अगर हाई वोल्टेज फिर से आ गई तो इट विल कॉज द आर्क टू रीस्ट्राइक अगर हाई वोल्टेज नहीं आई तो मीडियम ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा यह बात समझ में आ रही है बताओ भाई नितिन आ, नितिन पूछ रहा था कोई बच्चा पूछ रहा था ना कैपेसिटर और रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट तो जब आपकी प्लेट सेपरेट होंगी तब आपका सर्किट ब्रेकर कैसे एक्ट करेगा एज अ रजिस्टेंस बीच में आर्क बनेगी अब जब आप आर्क को बुझा दोगे तो आर्क को बुझाने पे क्या होगा आर्क को बुझाने पे बीच का मीडियम इंसुलेटिंग बन जाएगा देन इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर नहीं नहीं हाई रेजिस्टेंस तो हमें करना ही है ना बिंदु डायलैक्ट्रिक मीडियम कैसा भी हो एयर तो आप भेजोगे बट एयर आप कहां पे भेजोगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एयर सर्किट ब्रेकर में एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर में आपका मीडियम ही इतना स्ट्रांग होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि मीडियम आपका डी आयोनाइज हो जाता है ठीक है सौम्या बेटा आप मेरे से ना सोशल मीडिया पे पूछ लेना लेकिन पावर सिस्टम की क्लास में कंट्रोल का डाउट मत पूछो ठीक है अब देखो हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक सिस्टम दिखाते हैं जनरेटर है ये एयर तो भेज के ही करोगे ना मेरे भाई नितिन ऊपर जाके स्प्लिट होगी ना आर्क रनर से लेकिन नीचे से ऊपर कैसे भेजोगे एयर के थ्रू अब ये देखो जो आपका पूरा सिस्टम है उसको आपने कैसे दिखा दिया एज अंपिडेंस दिखा दिया रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये स्ट्रे कैपेसिटेंस हो गई ये हो गई कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन टू द ग्राउंड जो आप निकालते हो ना ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में ये हो गया सर्किट ब्रेकर आप बात को समझिएगा मैं क्या बोलता हूं जो पॉइंट में अभी आपको समझा रहा था कि व्हेन प्लेट सेपरेट व्हेन प्लेट सेपरेट आर केम्ड Arc is formed between plates of circuit breaker, which is a conducting medium, which is a conducting medium, and circuit breaker. बिहेव एज रजिस्टर रजिस्टर की तरह बिहेव करने लगता है ठीक है नाउ वेन आर्क इज इंटरप्टेड वेन आर्क इज इंटरप्टेड एंड मीडियम डी आयोनाइजेस बीच का जो मीडियम है उसमें से आयन्स आपके खत्म हो जाएं, जब मीडियम डी आयोनाइजेस एंड री गेंस रीगेन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देन सर्किट ब्रेकर एक्ट एज कैपेसिटर तब सर्किट ब्रेकर ना आपका एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है तो अब मैं ना यहां पर वही बात करने वाला हूं बेटा कि सर्किट ब्रेकर में आर्क फॉर्म हो गई अब जब आपने आर्क को स्प्लिट किया तो यहां पे सीबी बन गया सी बी इज योर ब्रेकर कैपेसिटेंस ये लेकिन कब आ रहा है आफ्टर आर्क इंटरप्शन मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा कि करंट जीरो पे ही क्यों आर्क को इंटरप्ट किया एक तो मैंने थ्योरिटिकल आपको बता दिया कि भैया अगर नॉन जीरो करंट पे करोगे तो एक हाई वोल्टेज पैदा हो जाएगा विच में कॉज द आर्क टू रीस्ट्राइक लेकिन ये हाई वोल्टेज है कौन सा तो देखो हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पे आप इग्नोर कर दीजिए रेजिस्टेंस को अब हम कहते हैं इफ आर्क इज इंटरप्टेड एट करेंट आई ठीक है ध्यान से तो सुन लेना एट करेंट आई तो बेटा इंडक्टर में एनर्जी होगी ना उस समय पे कुछ इंडक्टर पे एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर अब मेरे भाई जब आप आर को इंटरप्ट करते हो तो आप अचानक से करंट को जीरो कर दे रहे हो करंट इज सडनली मेड जीरो अब ये इंडक्टर की जो स्टोर्ड एनर्जी है भाई ये थोड़ी अचानक से वैनिश हो जाएगी ये थोड़ी अचानक से चमत्कार से गायब हो जाएगी तो यह एनर्जी कहां जाती है बेटा यह एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफर हो जाती है यहां पे मैं टोटल कैपेसिटेंस लिख देता हूं सी विच इज सी एस प्लस सी बी तो व्हेन करंट बिकम जीरो यूएल गेट्स ट्रांसफर टू सी ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है ना इसीलिए सी एस प्लस सी बी तो हम यहां पे बोलते हैं हाफ सी वी स्क्वायर इज हाफ एल आई स्क्वायर ये आई जो है ना इंस्टेंटेनियस करेंट है बेटा जितने करंट पे आप आर को इंटरप्ट कर रहे हो मतलब जिस समय पे आई करंट था उस समय पे आपने एयर भेजा तो ये एक हाई वोल्टेज पैदा हो जाएगा आई अंडरूट एल बाई सी ये कहलाता है प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज इसी से बचने के लिए तो हमने बोला कि जीरो करंट पे इंटरप्ट करो समझ आया ये पहला फॉर्मूला है सर्किट ब्रेकर का जो आपको याद रहना चाहिए प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज तो ये हाई वोल्टेज पैदा हो जाता है इफ यू इंटरप्ट द आर्क एट नॉन जीरो करेंट जरा कुछ क्वेश्चन देखें पहला देखिए सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर बताइए सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट करता है बहुत इजी क्वेश्चन है अभी इस पे चर्चा हुई है यस ट्रांजिएंट स्टेट बहुत ही बढ़िया ट्रांजिएंट में सर्किट ब्रेकर चलता है अगला इक्विपमेंट विद देयर एप्लीकेशन इक्विपमेंट और एप्लीकेशन को मैच कीजिए चलिए अच्छी बात है भाई तरुण और देखो यार मेरे खुद के बोलने की कुछ चीज के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है आप लोग का रिजल्ट ही मेरे लिए एक तरह से टेस्टिमोनियल है और मेरी एबिलिटी का प्रमाण है जो आप लोग का रिजल्ट है मेटल ऑक्साइड अरेस्टर बेटा ये सर्जेस के काम में आता है सर्ज अरेस्टर बोलते हैं क्या करता है ना सर्जेस को ग्राउंड में भेज देता है आइसोलेटर आइसोलेटर क्या करेगा अलाउ सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस है ना क्योंकि ये क्लियरेंस प्रोवाइड कर देगा उसके बाद आप सर्किट ब्रेकर को रिमूव कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑटो रीक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा डिफरेंशियल रिले इट विल प्रोटेक्ट द जनरेटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तो फोर थ्री टू वन ए ठीक है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव करता है ना ऑटो रीक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर ये चेक करता रहता है बार बार क्लोज होके कि फॉल्ट चला गया है क्या फॉल्ट चला गया अगर फॉल्ट चला गया है तो इस सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देगा जिससे कि आपका सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशन पे लौट आएगा यह सर्किट को डिसकनेक्टेड नहीं रखेगा तीन चार बार ट्राई करेगा उसमें भी अगर फॉल्ट नहीं गया होगा तब ये परमानेंट ओपन होगा तब ये कहेगा कि भाई अब तो जो है पावर कंपनी को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा उनको ये फॉल्ट क्लियर मैनुअली करना पड़ेगा आर्किंग टाइम बताओ कौन सा होता है अभी मैंने आपको शो किया था वॉट इज द आर्किंग टाइम क्या आएगा बताओ आर्किंग टाइम मतलब कितनी देर तक आर्क टिकती है सिस्टम में वो कौन सा टाइम होता है यस इट इज ए जब देखो सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट होती है तब आर्क बनती है और आर्क के फाइनल खत्म होने तक दैट इज योर आर्किंग टाइम प्लेट सेपरेशन से आर के खत्म होने तक अगला देखिए इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दिया है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी है जिसको इंटरप्ट कर रहे हो वोल्टेज कितनी बनेगी अगर आप नॉन जीरो करंट इंटरप्ट कर रहे हो तो कितना वोल्टेज पैदा होगा करिए फटाफट क्या डी तो अभी मैंने आपको बताया ना वोल्टेज का फॉर्मूला देखो सर्किट ब्रेकर पे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो दिस इज टेन डी ठीक है जी अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इजी टू इंटरप्ट किसको इंटरप्ट करना आसान है एसी डीसी सी दोनों को या किसी को भी नहीं लॉजिकली आंसर देना इसका किसको इंटरप्ट करना आसान है यस yes, ए को क्योंकि ए में क्या होता है नेचुरल करेंट जीरो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ठीक है नेचुरल करेंट जीरो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अगला देखिए विच ऑज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिप्रेजेंट द रेटिंग ऑपरेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल ठीक है मतलब ये ऑटो रिक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर है एक तरह से तो यह नॉर्मल ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल कैसी होगी चेक करो जरा आया भाई आंसर नितिन और बिंदु कह रहे हैं सी यस द आंसर इज सी देखो क्या होता है पहले सर्किट ब्रेकर एक बार ओपन होता है फिर ये तुरंत क्लोज होता है ऑटो रीक्लोजिंग की बात करें तुरंत क्लोज होता है अब अगर तब भी फॉल्ट नहीं गया होता फिर ये तीन सेकंड के लिए ओपन होता है ठीक है तीन सेकंड बाद ओपन होगा फिर से फिर ये फिर से क्लोज करके देखेगा अब भी अगर फॉल्ट रहेगा फिर ये लंबे समय के लिए ओपन हो जाएगा ओपन करेगा क्लोज करेगा क्योंकि क्या होता है ना पता है कई बार ऐसा होता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं क्या होता है कि जैसे आपकी पेड़ की टहनी गिर गई मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन पे जिसने शॉर्ट सर्किट कर दिया ट्रांसमिशन लाइन और टावर को अब ये जब सर्किट ब्रेकर ओपन क्लोज ऑपरेशन करता है ना तो एक हाई वोल्टेज जनरेट होती है जो कि उस पेड़ की टहनी को जला सकती है तो अगर जल गई तो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो फिर से ओपन क्लोज करेगा ताकि वो रिमूव हो पाए फिर भी नहीं हुआ तो फिर ये लंबे समय के लिए ओपन हो जाएगा यानी अब कुछ मेजर फॉल्ट हुआ है जो कि इस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा अगला देखिए एक आइडियल सर्किट ब्रेकर कितनी इंपीडेंस देना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर आर्क इंटरप्शन बताइए एक आइडियल सर्किट ब्रेकर को कितना इंपिडेंस देना होगा बिफोर एंड आफ्टर आर्क इंटरप्शन क्या आएगा आंसर शुड बी ए बिफोर आर्क इंटरप्शन माने जब आर्क बनी हुई है आर्क बनी है तो बीच का मीडियम कंडक्टिंग है और आफ्टर इंटरप्शन जब आर्क चली गई तब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा देन इट विल बी इनफाइनाइट इम्पिडेंस आर्क इंटरप्शन मतलब समझ रहे हो ना जब नीचे से आपने एयर भेजी है आर्क को खत्म करने के लिए तो आर्क को खत्म करने के लिए जब एयर भेजी है इट शुड बिहेव एज ओपन सर्किट एंड बिफोर का मतलब जब आर्क सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही थी देन इट शुड बिहेव एज शॉर्ट सर्किट अब देखो कुछ टर्म्स जो कि सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड है पहली टर्म होती है रिकवरी वोल्टेज अब ये रिकवरी वोल्टेज क्या चीज है बेटा रिकवरी वोल्टेज का मतलब है जब आपकी आर्क फाइनली खत्म हो जाती है जब सर्किट ब्रेकर आपका फाइनली ओपन सर्किट हो जाता है तो उस पर जो वोल्टेज आएगी कौन सी वाली 50 या 60 हर्ट्ज वाली वोल्टेज उसकी आर एम एस वैल्यू को आप क्या कहते हो रिकवरी वोल्टेज तो वेन द आर्क इज फाइनली एक्सटिंग द पावर फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर ठीक है तो आर एम एस वैल्यू ऑफ दैट इज रिकवरी वोल्टेज ठीक है वैसे इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है बेसिकली अंडर स्टडी स्टेट आपके सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आ रही है दैट इज योर रिकवरी वोल्टेज अगला होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मतलब क्या होता है देखो जैसे ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है मेरे बच्चों अब जो फॉल्ट करेंट है आप जानते हो ना लैगिंग होता है फॉल्ट करेंट जो है आपका लैग करता है बाय एन एंगल फाइव दिस इज द फॉल्ट करेंट अब यहां पे आपने आर्क को इंटरप्ट किया जीरो करेंट पे आप जानते हो जीरो करेंट पे ही करना चाहिए इस समय पे ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आई दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मतलब है 50 या 60 हर्ट्ज वाली वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट द टाइम ऑफ आर्क इंटरप्शन या एट द टाइम ऑफ करेंट जीरो जब जीरो करेंट पे आप आर्क को इंटरप्ट करोगे ना उस समय पे 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा दैट इज एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ठीक है अब ये जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होती है मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिएगा K1, K2, K3, VM, sin phi साइन मैं बताता हूं phi कॉस phi है फॉल्ट का पावर फैक्टर यानी कितने करंट से कितने एंगल से आपका करंट वोल्टेज से लैक कर रहा है वीएम है पीक रेटेड फेज वोल्टेज तो बेसिकली रेटेड वोल्टेज लाइन वोल्टेज होती है ना आपको फेज में कन्वर्ट करनी है इसीलिए रूट थ्री और आर एम एस होती है तो पीक में जाने के लिए रूट टू ये हुआ के वन रिडक्शन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन भाई देखो आप तो रेटेड वोल्टेज ले रहे हो ना लेकिन फॉल्ट का पावर फैक्टर लैगिंग होता है लैगिंग पावर फैक्टर से आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होता है तो वोल्टेज तो थोड़ी कम ही आती है रेटेड नहीं आती है तो वो फैक्टर है के वन के टू होता है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर तो यह जो वैल्यू होती है यह वन होती है फॉर द केस ऑफ ग्राउंडेड फॉल्ट और ये वन पॉइंट फाइव होती है फॉर अनग्राउंडेड फॉल्ट ये याद रख लो देखो इसका ना बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज नहीं है इसीलिए इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा ठीक है जी K3 होता है बेटा वन फॉर फेज वोल्टेज वैसे तो जनरली देखो फेज वोल्टेज ही निकाली जाती है ARV में एंड रूट थ्री फॉर लाइन वोल्टेज चमक गया तो ये फॉर्मूला याद रखना K1, K2, K3, Vm sin phi इस डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है सर्किट ब्रेकर का ठीक है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर मैं आपको डिराइव नहीं करा रहा हूं अननेसरी है हमको बस ये पता होना चाहिए फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर की दो वैल्यूज होती हैं वन या फिर 1.5 पॉइंट फाइव वन किस में होता है इन केस ऑफ ग्राउंडेड फॉल्ट 1.5 पॉइंट फाइव इन केस ऑफ अनग्राउंडेड नहीं इंटरप्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए उसको कवर नहीं कर रहा हूं अब क्या होता है बेटा री वोल्टेज क्या होता है अभी जैसे मैंने आपको प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज डिराइव करके दिखाया कि जब आप नॉन जीरो करेंट पे वोल्टेज को सॉरी सर्किट ब्रेकर को इंटरप्ट कर रहे थे R को कर रहे थे तो एक वोल्टेज आ गई थी सेम चीज होती है बेटा कि जब आप आर्क को इंटरप्ट करते हो तो सर्किट ब्रेकर बिहेव्स एज कैपेसिटर और आपके सिस्टम में ऑलरेडी देयर इज इंडक्टेंस इससे क्या होता है ऑसिलेटर बन जाता है और उस एलसी ऑसिलेटर में बनने वाली वोल्टेज कहलाती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बिकॉज दैट वोल्टेज मे कॉज आयोनाइजेशन एंड मे कॉज द आर्क टू री जैसे आपने आर्क को इंटरप्ट किया तो आपने एक बार के लिए तो आर्क को भगा दिया लेकिन अब यहां पर हाई वोल्टेज पैदा होगी ड्यू टू एल सी ऑसिलेटर जिससे दोबारे से, से आयोनाइजेशन आ सकता है और दोबारे से आपके सिस्टम के अंदर आर्क आ सकती है अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं देखिए यहां पे इस वोल्टेज को लेते हैं ए आर वी ए आर वी क्यों लेते हो सर क्योंकि बेटा जब आप आर को इंटरप्ट कर रहे हो उस समय पे सप्लाई वोल्टेज कितनी है ए आर वी है और ये फिफ्टी हर्ट्स की यानी बीस मिली सेकेंड का इसका पीरियड है ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है वन बाई टू पाई रूट एल सी इट इज मच मच ग्रेटर देन फिफ्टी हर्ट्स तो यानी ंग वोल्टेज का जो टाइम है ना इट इट इज मच मच लेस देन टाइम पीरियड तो इसका टाइम बहुत छोटा होता है री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का इसीलिए आप इस वोल्टेज को कांस्टेंट मान लेते हो एआरवी मतलब बहुत छोटा ड्यूरेशन है री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का पीरियड बहुत छोटा है और पीरियड बहुत छोटा होने के कारण आप 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज को कांस्टेंट मान के चल रहे हो एट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ए आर वी अब अगर आप रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हो अगर आप रेजिस्टेंस को बेटा मेरे इग्नोर करते हो तो आपकी जो कैपेसिटर वोल्टेज बनती है ना वो ये बनती है ए आर वी यही होती है स्विचिंग ओवर वोल्टेज जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इंसुलेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेज वो यही है अब यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना है वन बाय अंडर रूट एल सी ये फ्रीक्वेंसी भी आपको पता होनी चाहिए यानी अब सिस्टम में दो फ्रीक्वेंसी हो गई एक फिफ्टी सिक्सटी हर्ट्स वाली और एक ये एल सी ऑसिलेटर वाली यहाँ पे ये जो सी है दिस इज वॉट स्ट्रे कैपेसिटेंस प्लस ब्रेकर कैपेसिटेंस अब ये तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज हो गई अब VC का पीक वैल्यू कितना होगा टू ए आर वी तो देखो वही ग्राफ बना रखा है मैंने ऊपर वही ग्राफ बना रखा है ये वन माइनस कॉस ओमेगा का ही ग्राफ है ठीक है तो इसकी एवरेज वैल्यू ए आर वी है पीक वैल्यू टू ए आर वी है अब क्या आता है यहां पे एक टर्म आती है जिसको कहते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ट्रिपल आर वी क्या बोलते हैं ट्रिपल आर वी यह होता है डी वी सी बाय डी टी तो ए आर वी बाय रूट एल सी साइन ओमेगा नॉट टी तो ये ट्रिपल आर वी का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालिए तो ये होता है साइन का जब आप एवरेज लेते हो बेटा तो टू बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ट्रिपल आर वी का जो एवरेज है दैट इज टू टाइम्स ए आर वी बाय पाई रूट एल सी ठीक है तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अगर आपको रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का कंसेप्ट मालूम है तो ये तो आप निकाल ही सकते हो अब अगला आता है बेटा रेजिस्टेंस स्विचिंग तो जैसा मैंने आपको बताया कि एलसी ऑसिलेटर बन जाता है और उससे एक ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो अगर ये ऑसिलेशन आपको खत्म करने हैं देन यू कैन कनेक्ट अ रेजिस्टेंस अक्रॉस सर्किट ब्रेकर लेकिन अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस तो सर्किट ब्रेकर का फायदा क्या रहा करंट तो फ्लो करता रहेगा रेजिस्टेंस से इसीलिए रेजिस्टेंस के साथ एक लगाया जाता है स्पीयर गैप क्या लगाते हैं स्पीयर गैप ये स्पीयर गैप जो है ये शॉर्ट सर्किट होता है एट हाई वोल्टेज क्या होता है शॉर्ट सर्किट एट हाई वोल्टेज तो यानी ये रेजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस कनेक्ट तो होगा लेकिन कब होगा जब हाई वोल्टेज होगा और इसका काम क्या है इट डैम्स आउट डैम्स आउट ऑसिलेशंस ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ठीक है री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का भी मैंने अनडैम्प्ड वाला ग्राफ दिखाया ना आपको तो उसे डैम्प करने की जिम्मेदारी इस रेजिस्टेंस की है तो अगर आप एक क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम की बात करते हो बेटा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हाफ अंडर रूट एल बाय सी कितनी आनी चाहिए हाफ अंडर रूट एल बाय सी आप याद रखेंगे कि अगर आपको क्रिटिकल डैम्पिंग चाहिए तो देखो ये तो आपकी कौन सी वोल्टेज है ये डॉटेड वाली है फिफ्टी हर्ट्स वोल्टेज और ये जो सॉलिड लाइन है ना दिस इज योर री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कौन सी है री स्ट्राइकिंग क्रिटिकली डैम्ड का मतलब है इसके अंदर कोई ऑसिलेशन आपको नजर नहीं आ रहे हैं ठीक है जैसे जैसे आपकी 50 हर्ट्स वाली वोल्टेज जीरो जा रही है ये भी जीरो जा रही है अब ये देखो ये अंडर डैम्ड सिस्टम है अंडर डैम में आपको दिख रहा है और डैम्ड ऑसिलेशन अंडर डैम्ड में आपको क्या दिख रहा है डैम्ड ऑसिलेशन इन रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है इट इज ग्रेटर देन हाफ अंडर रूट एल बाय सी ठीक है अब अगला होता है ओवर डैम्ड ओवरडैम्ड में क्या होता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बिकम जीरो बट स्लोली क्रिटिकली डैम्ड के मुकाबले ना धीरे धीरे जीरो जाती है यहां पे रेजिस्टेंस होता है लेस देन हाफ अंडर रूट एल बाय सी तो आपको तो इक्वल टू वाली वैल्यू याद रखनी है है दैट इज द क्रिटिकल रेजिस्टेंस अगला होता बेटा चॉपिंग चॉपिंग में हम क्या कहते हैं कि हम लोग ये तो बोल रहे हैं सही बात है कि यार आर्क को ना जीरो करेंट पे इंटरप्ट करना चाहिए वरना क्या होगा नॉन जीरो करेंट से एक हाई वोल्टेज पैदा होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो यार एकदम एक इंस्टेंट एक पे तो हम लोग नहीं कर सकते ना इंटरप्ट एकदम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे तो इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे अगर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे मैं इंटरप्ट नहीं कर सकता मेरे भाई तो क्या होगा कि अगर आपने नॉन जीरो करेंट पे इंटरप्ट किया तो इट विल लीड टू अ प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज और अगर वो हाई इनफ हुई तो इट विल कॉज द आर्क टू रीस्ट्राइक इससे होगा क्या जब जब आप आर्क को इंटरप्ट करोगे तब तब प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बनेगी फिर से आर्क आएगी फिर से आप इंटरप्ट करोगे फिर से प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बनेगी तो देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा यहां पे हमने आर्क को इंटरप्ट किया ये करंट का ग्राफ है नॉन जीरो करंट पे इंटरप्ट किया ठीक है तो यहां से क्या बन गया ये बन गई प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज अब क्या हुआ अगर यह हाई इनफ है तो फिर से आर्क आ गई तो देखो फिर से करंट फ्लो करने लगा वोल्टेज कम हो गई अब आपने फिर से यहां पे आर्क को इंटरप्ट किया अगर फिर से आपने आर्क को इंटरप्ट किया तो फिर से क्या होगा ना हाई वोल्टेज आएगी बट पहले से थोड़ी कम आएगी पहले से अब की बार थोड़ी कम आएगी क्योंकि इस बार करंट कम है ना पहले से जिस करंट को आप इंटरप्ट कर रहे हो दैट करंट इज लेस जिस करंट को आप इंटरप्ट कर रहे हो वो करंट पहले से कम था है ना पहले आपने देखो इस करंट पे इंटरप्ट किया था अब की बार आपने इस करंट पे इंटरप्ट किया है तो करंट जब पहले से कम है तो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज भी कम है बट अगर फिर भी ये सफिशियंटली हाई हुई तो अगेन आर्क रीस्ट्राइक्स तो इस तरह से आप अगर करंट की वेवफॉर्म देखो तो करंट की वेवफॉर्म बीच बीच में से गायब है आई वेवफॉर्म इज इस चॉप्ड इसको कहते हैं करंट चॉपिंग समझे चॉपिंग का मतलब क्या है आपको ना मल्टीपल टाइम्स आर्क को इंटरप्ट करना पड़ता है आर्क को गायब करने के लिए ठीक है तो टू रिड्यूस करेंट चॉपिंग करंट चॉपिंग कम करने के लिए ना प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज कम करना पड़ेगा और प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज कम करने के लिए वी यूज रेजिस्टेंस स्विचिंग और ये जो करेंट चॉपिंग है ना ये मोस्ट डोमिनेंट होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्योंकि वहीं बार बार आर्क को आप एयर की मदद से इंटरप्ट करते हो ठीक है तो इसीलिए रेजिस्टेंस स्विचिंग भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ही ज्यादा यूज की जाती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ठीक है अब देखो सर्किट ब्रेकर की कुछ रेटिंग्स रेटेड वोल्टेज यानी जितनी वोल्टेज पे ये कॉन्टिन्यूसली काम कर सकता है ये सिस्टम वोल्टेज से ज्यादा होती है रेटेड करेंट ठीक है रेटेड करेंट के बारे में मैंने क्या बताया था चलो यार ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू गुरुराज रेटेड करेंट क्या बताया था जो एक सर्किट ब्रेकर लंबे समय तक हाँ प्रोस्पेक्टिव और रीस्ट्राइकिंग डिफरेंट है जितेंद्र अगर आप जीरो करेंट पे भी इंटरप्ट करोगे तो भी रीस्ट्राइकिंग तो बनेगी बनेगी लेकिन प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज सिर्फ तब बनेगी वेन एवर यू इंटरप्ट एट हाँ जी रेटेड करेंट का क्या बताया था द करेंट विच इट कैन कैरी फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग डैमेज नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन कितनी बार सर्किट ब्रेकर को आप ओपन क्लोज ओपन क्लोज कर सकते हो इससे पहले कि वो डैमेज हो जाए देन ब्रेकिंग कैपेसिटी आप जानते हो जब आप सर्किट ब्रेकर को ओपन करोगे देयर विल बी आ डीसी ऑफ सेट करेंट देयर विल बी आ सिमेट्रिकल करेंट देयर विल बी आ डीसी ऑफ सेट करेंट एंड देयर विल बी आ सिमेट्रिकल करेंट यह बात हम लोग जानते हैं देखो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स इन ट्रांजियंट रीजन ठीक है ट्रांजियंट रीजन Where current contains DC offset as well as symmetrical AC current. ठीक है, एज वेल एज सिमेट्रिकल AC करेंट अब यहां पर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करेंट की अगर बात करें सिमेट्रिकल का यहां पर क्या सेंस होता है इसका मतलब होता है AC कंपोनेंट तो हम लोग यहां पर क्या कहते हैं ये देखो AC वाला एक्स है ना एक्स बाय रूट टू और अगर आपको सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी चाहिए तो आप क्या कहेंगे रूट थ्री इंटू वी आर एम एस इंटू आई सिमेट्रिकल आर एम एस अगर आपसे पूछा जाए एसिमेट्रिकल सीमेट्रिकल आर एम एस करेंट का मतलब होता है डीसी प्लस ए सी तो आई एसिमेट्रिकल आर एम एस आप कैसे निकालते हो वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट टू का स्क्वायर और यहां पे अगर आपको एपरेंट पावर चाहिए तो रूट थ्री इंटू वी रेटेड इंटू आई एसिमेट्रिकल आर एम एस ठीक है सिमेट्रिकल आर एम एस से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी एसिमेट्रिकल आरएमएस आर एम एस से एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी मेकिंग कैपेसिटी तो देखो ये क्या होता है दिस इज द दी करेंट थ्रू सर्किट ब्रेकर इन सब ट्रांजिएंट रीजन तो ये जो होता है ना बेटा मेकिंग करंट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिस इज 1.8 पॉइंट एट इंटू पीक ऑफ एसी करेंट पीक ऑफ एसी करेंट क्या होगा सिमेट्रिकल आर एम एस करेंट रूट टू तो ये हो जाता है 2.55 पॉइंट फाइव फाइव आई सिमेट्रिकल आर एम एस तो ये फॉर्मूला याद रखना ठीक है आई सिमेट्रिकल आर एम एस जो निकाला जाता है ना ये यूजिंग शॉर्ट सर्किट एम जो हम फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट एम निकाल रहे थे ये उससे आता है अब जरा क्वेश्चन देखें एवरेज ट्रिपल आरवी ऑफ अ 132 थर्टी टू के सर्किट ब्रेकर इज टेन केवी पर माइक्रो माइक्रोसेकेंड एट अ फॉल्ट पावर फैक्टर ऑफ पॉइंट एट लैक वॉट इज ट्रिपल आरवी ऑफ सर्किट ब्रेकर इफ द फॉल्ट पावर फैक्टर इज पॉइंट सिक्स सिक्स लैख बाय कीपिंग द रिमेनिंग कंडीशन सेम आया भाई थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री देखे देखो ट्रिपल आरवी एवरेज जो होता है दैट इज टू ए आर वी बाय पाई रूट एल सी तो ए आर वी में तो साइन फाइ आता है ना तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं तो यहां से निकाल दोगे भाई कितना रहा है थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री ठीक है भाई अगला देखो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस अपटू अ सर्किट ब्रेकर लोकेशन आर वन हेनरी पॉइंट जीरो वन कितना रेजिस्टेंस चाहिए फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग करो फटाफट क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए कितने रेजिस्टेंस की मुझको जरूरत है फाइव किलोम फाइव हंड्रेड ओम ठीक है टेन की पावर माइनस एट टेन की पावर फोर आ जाएगा तो फाइव किलो ओम आएगा ठीक है फाइव हंड्रेड नहीं आएगा फाइव किलो ओम आएगा ये टेन की पावर माइनस एट है ना तो बाहर टेन की पावर फोर आएगा यानी टेन किलोम डिवाइड बाई टू अगला मेकिंग करेंट पूछ रहा है भाई दो हजार 33 तैतीस केवी सर्किट ब्रेकर का बताइए अभी मैंने बताया ना मेकिंग करंट कैसे निकालते हैं जल्दी से फटाफट निकाल दो इसका क्या आ रहा है ए आ रहा है देखें ए डी पहले आई सिमेट्रिकल आर एम एस निकालिए टू थाउजेंड बाय रूट थ्री इंटू थर्टी थ्री ये तो देखो थर्टी फाइव आया ये तो सिमेट्रिकल आर एम एस आ गया ना तो ए थोड़ी ना हो सकता है आई मेकिंग इज टू पॉइंट फाइव फाइव आई सिमेट्रिकल आर एम एस तो 89 नाइन किलो एम्पियर डी ठीक है आंसर विल बी डी अगला करिए थ्री फेज फिफ्टी हर्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किलो मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपसे मैक्सिमम रेट ऑफ राइज मांग रहा है तो देखो जब आप ए आर वी ना निकाल पाओ ना तो ए आर वी को वीएम मान लेते हैं दैट इज द पीक फेज वोल्टेज क्या मान लेते हैं वीएम That is the rated peak phase voltage. शशांक बहुत अच्छी बात है अब देखो ट्रिपल आर वी एवरेज पूछा है मैक्सिमम मैक्सिमम ये मैंने लिखवाया था ना ए आर वी बाय रूट एल सी वन बाय रूट एल सी होता है ओमेगा तो ए आर वी इंटू ओमेगा नॉट अब आप ए आर वी को क्या लिखोगे वीएम मैंने बोला ना तो टू ट्वेंटी बाय रूट थ्री इंटू रूट टू किलो वोल्ट में चल रहा है ओमेगा नॉट होता है टू पाई एफ तो ये बाय डिफॉल्ट किलो वोल्ट पर मिली सेकेंड ही आ गया क्यों सर क्योंकि देखो ये भी केवी और ये भी किलो हर्ट्स किलो इंटू किलो होता है मेगा मेगा में आप क्या कर सकते हो किलो वोल्ट पर मिली अरे भाई तुम अगर ये दो लेक्चर देख लोगे कौन से प्रोटेक्शन के सर्किट ब्रेकर और रिले वाला आज और कल वाला एक मैराथन के बराबर ही हो जाएगा चार पांच घंटे का कॉन्टेंट और उसमें तुम्हारा पूरा सर्किट ये रिले वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो एटीन पॉइंट जीरो फाइव एट इंटू टेन की पावर थ्री के वी पर मिली सेकेंड ठीक है चलो अगला देखो एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू इंटरप्ट अ ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजिंग करेंट ऑफ इलेवन एम्पियर आर एम एस इट चॉप्स द करेंट एट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सेवन एम्पियर एल और सी दिया है अब पूछा है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन केवी दैट अपियस अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकअ क्या रहा है एट थर्टी टू पॉइंट वन एट सिक्सटी सिक्स देखे वोल्टेज बेटा जब आप नॉन जीरो करेंट को इंटरप्ट करोगे ठीक है तो यहां से देखो कितनी आ रही है याद रखना इंस्टेंटेनियस करेंट यूज करना है इसमें कभी आप लोग आर के पीछे मत पड़ जाना 866 केवी के ठीक है यही आ रहा है अगला देखिए वाइल यूजिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करेंट चॉपिंग इज ऑब्जर्वड वेन जब आप एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं तो करंट चॉपिंग अक्सर आपको कहां पे देखने मिलता है ये बेटा अक्सर देखने मिलता है ट्रांसफॉर्मर में क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में इनरश करंट होता है ना तो इनरश करंट में आपका आपका करंट चॉपिंग आ जाता है तो आंसर विल बी सी अगला देखिए फॉलोइंग मीडियम इज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर अब नाम में एयर है भाई तो बताओ सवाल का कोई मतलब रह गया नाम में जब एयर है तो कौन सा मीडियम होगा एयर होगा एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर आर प्रेफर्ड फॉर सब स्टेशन विद एसएफ सिक्स का कहां यूज करते हो कितनी वोल्टेज पे कम ऑन एवरी वन एस एफ सिक्स का कहां पर यूज करते हैं हम लोग ट ब्रेकर एट टू ट्वेंटी डी एन आइडियल सर्किट ब्रेकर आपको कराई चुका है ना ये तो ऑलरेडी डन है अगला देखो विच ऑफ द दॉट इज द प्रेफर्ड टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड इन ई एच वी ए सी सिस्टम ई एच वी एसी सिस्टम में कौन सा सर्किट ब्रेकर आप इंस्टॉल करेंगे यस डी एस एफ सिक्स ई यही होता है 220 सौ केवी तक 220 सौ केवी तक ठीक है इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज टू रेजिस्टेंस स्विचिंग क्यों यूज करते हो भाई बताओ मैंने बताया था ना रेजिस्टेंस का पर्पस क्या होता है रेजिस्टेंस स्विचिंग में बहुत इजी है क्या होता है सी डैम्प आउट द फास्ट ट्रांजिएंट ठीक है डैम्प आउट द फास्ट ट्रांजिएंट क्लियर है चलिए अब दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अब हम लोग कल मिलेंगे लेकिन देखो कल की क्लास जल्दी लगाएंगे कल सुबह साढ़े नौ बजे क्लास होगी उसमें हम रिलेस डिस्कस करेंगे और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा हम लोगों ने क्या किया है हमने आई आर एम एस के लिए आपका गेट और यूपीएससी का कॉम्बो रिलीज़ किया जिसमें यूपीएससी में जी एस करा रहे हैं गेट में टेक्निकल तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप फटाफट ज्वाइन हो सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ई एस ई ठीक है बड़ा सिंपल सा तरीका है नोट्स कहाँ से मिलेगा भी बता रहा हूँ ठीक है और देखो आपका अगला ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि फ्री टेस्ट है वो आठ जनवरी को है तो इसके लिए अच्छे से तैयारी कर लो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कोड लगा देना अंकित ई आपको ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है तो वहां पे जब कोड मांगेगा अंकित ई ए लगाओगे तो एनरोल कर सकते हो ठीक है बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने दे तो दिया संकल्प बैच आप लोगों को क्यों भाई दिया तो था अभी और ये देखो ये लिंक है जहाँ पे मेरे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस वीडियोज हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर अन ज्वाइन करते हो यू कैन चूज बिटवीन प्लस एंड आईकॉनिक दोनों में ही देखो आपको क्या बेनिफिट है ना कि आपको टॉप टीचर्स मिलते हैं ऐप पे पूरा स्टडी मटेरियल है टेस्ट सीरीज आपके इंक्लूडेड है अगर नए क्वेश्चन में डाउट आता है यू गेट अ वीडियो सोल्यूशन इन आइकॉनिक वीडियो आपको प्रिंटेड नोट्स भेजे जाते हैं आइकॉनिक में वन टू वन गाइडेंस मिलती है स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान मिलता है एंड यू कैन इंटरेक्ट वाई ऑडियो इन ओपन हाउस सेशन इसके अलावा देखो हमने ना आपके लिए चार महीने की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है इस पर भी आप टेन परसेंट डिस्काउंट ले सकते हो यूजिंग कोड अंकित एसी सी तो बेटा इसको आप अन अकेडमी ऐप पर जाके परचेज कर सकते हो अंडर लाइट सब्सक्रिप्शन और आपको करना क्या अनकेडमी ऐप आप पर आपको प्लान डिसाइड करना है ड्यूरेशन डिसाइड करनी है एंड देन टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यू हैव टू यूज द कोड अंकित ई सी और आप देखोगे अगर हमारा रिजल्ट बेटा तो हमने टॉप टेन में छह रैंकर गेट ट्वेंटी टू में प्रोड्यूस किए हैं ई एस सी में भी ढेर सारे रैंकर हैं अन अकेडमी से जिन्होंने क्रैक किया है आप भी बेटा इनमें से एक बन सकते हो इफ यू कम टू अन अकेडमी एंड यू स्टडी अंडर माई पर्सनल गाइडेंस और अगर फाइनेंशियल इश्यू है तो ई के लिए जा सकते हो इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है आपको बेटा दो घंटे में ई अप्रूव होती है पेपर वर्क में आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा सिर्फ और सिर्फ अदर देन दिस देखो लेटेस्ट बैच है जिसमें हमने नेटवर्क से स्टार्ट किया 2024 के लिए डांडे सर डेली शाम को सात बजे नेटवर्क ले रहे हैं 2025 के लिए भी नेटवर्क चल रहा है डेली और आई के लिए भी नेटवर्क रनिंग है और आई में जी वाला बैच आपका 18 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है ये हम यूपीएससी के अंदर करा रहे हैं तो आप जी और टेक्निकल एक साथ कर सकते हैं ये है भाई मेरा टेलीग्राम चैनल भारत महान यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ अभी इमीजिएटली आफ्टर द सेशन मिल जाएगा आ, संग्राम बेटा जनवरी में मैं लूंगा आपका अगले हफ्ते में बेसिकली अगले हफ्ते में मैं आपका मेजरमेंट पूरा कर दूंगा तीन मैराथन लगा के और देखो अगर आपको मेरा और स्टडी मटेरियल चाहिए बेटा तो आप अन अकेडमी ऐप के होम पेज में जाएंगे कम्युनिटी में डिस्कवर पे वहां पे मेरा पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा यू ए लाइट में गेट वाला कैलकुलेटर डल तो गया है भाई मेरे को तो अभी यही इन्फॉर्म किया गया जाके चेक करो गेट वाला कैलकुलेटर डल गया है चलिए सो थैंक यू एवरी अब हम लोग कल सुबह मिलेंगे साढ़े बजे एंड वील डिस्कस द रिलेज थैंक यू लेट्स